फर्स्ट थिंग विच कम्स टू आवर माइंड इज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम देखें, कोई भी एक ऑब्जेक्ट कैन हैव टू स्टेट्स। ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट और इट कैन बी इन मोशन। यही दो स्टेट्स पॉसिबल है, या तो एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, या एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। नाउ वी विल लर्न द एग्जैक्ट डेफिनेशंस ऑफ रेस्ट एंड मोशन। पहले हम समझते हैं रेस्ट। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। सो व्हेन आई से रेस्ट, रेस्ट इज द इज सेड टू बी स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, एज दिस डेफिनेशन सेज। ये आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। रेस्ट किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अगर हमें डिफाइन करने की ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, दैट मींस कि इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। बट नाउ वी विल ऐड अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम। यहां हम एक चीज ऐड करेंगे, दैट इज विद टाइम। ये डेफिनेशन थी जो आपने अभी तक अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए होंगे। अब हम अपनी इस डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, इसको अपग्रेड करेंगे। एंड अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द डेफिनेशन इज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विद टाइम। मतलब जो टाइम के साथ चेंज नहीं करेंगे, मतलब हमने एक रेफरेंस क्वांटिटी लगा दी टाइम, मतलब हम पोजीशन को देख रहे हैं विद टाइम, क्योंकि हमें पता है टाइम तो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो अगर टाइम के साथ एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, दैट मींस इट इज एट रेस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर एक कार है, वो एक घर के बाहर खड़ी है, सपोज रात को 10 बजे उसको पार्क कर दिया, 10 बजे भी वो अपनी उसी पोजीशन पे है, 11 बजे भी वो उसी पोजीशन पे है, 12 बजे भी, 1 बजे भी, थ्रू आउट द नाइट वो अपनी उसी पोजीशन पे है। दैट मींस टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, और हमें पता है टाइम कंटीन्यूअसली चेंज होता है, तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेम है। तो ऐसी स्टेट जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता टाइम के साथ, उसको हम कहते हैं इट इज सेड टू बी एट रेस्ट।